हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स शाला में। गाइज, एक हैंगिंग बॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए। एक तो इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और दूसरी बात, जब हम बॉल को खेलते हैं तो बॉल को मिडल करने की जो कैपेसिटी है, यानी कि बैट के बीचों बीच आए बॉल, वो वाली चीज़ भी जो है इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक हैंगिंग बॉल, जिसमें कि हम यूज़ करेंगे एक नॉर्मल बॉल का, एक नॉर्मल लेदर बॉल का। आप चाहें तो एक पुरानी लेदर की बॉल का यूज़ कीजिए, क्योंकि नई बॉल यूज़ करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों, इस वीडियो के लिए, खास सिर्फ इसी वीडियो के लिए, मैंने ये मशीन खरीदी है जो कि है एक ड्रिल मशीन। तो यार, एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और स्पोर्ट्सशाला की एक और वीडियो का मजा लीजिए। गाइस, हैंगिंग बॉल बनाने के लिए हमें इस बॉल के अंदर एक होल करना पड़ेगा, एक छेद करना पड़ेगा जो कि आर पार होगा बिल्कुल। और उसके लिए हम यूज करेंगे इस ड्रिल मशीन का। तो सबसे पहले तो हमें इस बॉल को एक जगह रोकने के लिए इसको क्लैंप करना होगा, ताकि होल बनाते टाइम ये जो है हिले नहीं। तो गाइस, बॉल को हमने क्लैंप कर दिया है और अब ये अपनी जगह से बिल्कुल हिल नहीं रही है। दोस्तों, एक बात का ध्यान हमें रखना होगा कि जो बॉल की सीम है वो कटनी नहीं चाहिए जब हम इसके अंदर होल करेंगे। जैसे कि इस साइड से जब हम इसके अंदर होल करेंगे, तो जो बॉल की सीम है, जो सिलाई है, जो धागा है, वो बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर धागा कट गया तो धीरे धीरे वहां से सिलाई उधड़ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से इसमें होल बनाएंगे तो दूसरी तरफ निकल जाएगा और हमारी जो सीम है वो बीच में नहीं आएगी। और दोस्तों, सेफ्टी के साथ में कभी समझौता नहीं। तो मशीन को करते हैं चालू और बॉल के अंदर बनाते हैं एक आर पार बिल्कुल सीधा होल। जो होल है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना जो बॉल का बैलेंस है वो सही नहीं बनेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए होल हमारा। गाइस, लगभग 1 सेंटीमीटर होल जो है वो हमने इस बॉल के अंदर बना लिया है। और आप देखिए, यहाँ पर जो है एक होल जैसी चीज़ आपको दिख रही होगी। तो अब ये जो है आर पार निकल जाएगा अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। गाइस, लगता है कि जो बॉल है अंदर से काफ़ी गर्म हो गई है। और आप देखिए, जो अंदर से जलने की स्मेल आ रही है, बिल्कुल ब्लैक जो है ये पाउडर हो गया। और यहाँ से भी काफ़ी गर्म हो गया है, यानी कि टेम्परेचर अंदर का काफ़ी बढ़ गया। थोड़ा सा बीच में स्टॉप ले लेते हैं। और गाइस, हमारी जो मशीन है दूसरी तरफ निकल चुकी है, लेकिन बाहर नहीं आ रही। तो अंदर देखिए किस तरीके से मशीन फंसी हुई है, तो इसको दबा करके निकालना पड़ेगा। और भाई, जो होल है ना वो आर पार बन गया है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल सीधा होल बना हो। बाकी मैंने पहली बार बनाया तो मुझे खुद नहीं पता कि जो होल है वो एकदम सीधा बना या नहीं, लेकिन काम हमारा बिल्कुल हो गया। तो क्लैंप को हटा देंगे और अब दोस्तों आप देखिए, बॉल के आर पार जो है एक होल बन गया। और मैं कहूँगा काफ़ी हद तक जो होल है वो सटीक भी बन गया। थोड़ा सा जो है, मैं कहूँगा 2-4-5 डिग्री का जो है इसमें डेविएशन आया है, यानी कि बिल्कुल जो बीचों बीच बनना चाहिए थोड़ा सा ऐसे हो गया, लेकिन ज़्यादा नहीं है। हमारा जो काम है वो बिल्कुल बढ़िया से चल जाएगा। तो मैं इसको आपको आर पार दिखाता हूँ इसके अंदर। गाइस, बॉल में छेद करने के बाद का जो काम है बहुत ही आसान है। हमें ज़रूरत होगी एक रस्सी की, जो कि आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको हाइट चाहिए अपनी हैंगिंग बॉल की। तो मेरे पास में यहाँ पर है एक कॉटन वाली रस्सी, बाकी आप चाहें तो एक प्लास्टिक की जो रस्सी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी रोप यूज़ कर सकते हैं, सूतली भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास में अवेलेबल है। और उसका जो है एक एंड हमें पकड़ करके और इस बॉल के होल के अंदर डालना है, जो कि दूसरी तरफ बाहर निकल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। बहुत आसान है, देखिए बाहर आ गया हमारा, बॉल बीच में फंस गई। और अब हमें सिर्फ एक गांठ लगानी है, सिर्फ एक इस तरीके से नट बनाना है, जो कि आप देखिए यहाँ पर एक गांठ मैंने बना दी। आप चाहें तो दो भी लगा सकते हैं। तो अब ये जो बॉल है इसके अंदर से निकलेगी नहीं, और अब यहाँ पर ये जो है आप देख सकते हैं आराम से हैंग करेगी जहाँ पर भी हम इसको लटकाएंगे। और जितना दूर लटकाएंगे, जितना ऊंचा लटकाएंगे, उसी हिसाब से हमारी बॉल तैयार हो जाएगी और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज, हैंगिंग बॉल बन चुकी है। बहुत आसान चीज़ है, हमें जो है सिर्फ एक बॉल चाहिए और साथ में एक रोप चाहिए। तो गाइज, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्पोर्ट्सशाला को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।